नंदनी, ओके, सो एम आई ऑडिबल? सायराम, मेरी आवाज आ रही है हम लोग को? नंदनी प्रेजेंट नहीं करना अभी, ओके। हाँ, सो टुडे ये कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड, इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। दिस इज द डे ऑन विच अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। संविधान सभा ने आज के दिन हमारे देश का संविधान स्वीकार किया था, लागू तो किया गया 26 जनवरी 1950 से। दैट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, बट इट वॉज कम्प्लीटेड, ये बन के तैयार हो गया था और अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को, 26th of November 1949 को। तो नाउएडेज दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो टुडे होल कंट्री इज सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड वी ऑल्सो हैव टू टेक एन ए ओथ ऑन दिस डे, है ना। संविधान की हमको प्रियम्बल पढ़ना है सब लोग को। तो ऑल ऑफ यू आर सपोज टू ओपन योर वीडियोस। नंदिनी प्रेजेंट नहीं करना, नंदिनी नंदिनी व्हाट आर यू डूइंग? तो पता नहीं कर रहा। हाँ, सो सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करें। ओपन योर वीडियोस, ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियोस। सायराम, सभी लोग अपने वीडियो ऑन करो। यस, ऑल ऑफ यू ऑन, स्विच ऑन योर वीडियोस। सेट स्ट्रेट, जैसे हम बैठते हैं ठीक से बैठिए, और जो ओथ वाला पोजीशन होता है ना हमारा हाथ ऐसे आगे करके, सो टेक योर हैंड्स इन द ओथ टेकिंग पोजीशन। और कौन है? दीपांशी, अपना वीडियो खोलो। सिद्धार्थ, एंड कम इन द ओथ टेकिंग पोजीशन। प्रियांशु के पास में और कौन आ सकता है? और भी आ सकते हैं बच्चे, अभी 6 बच्चे हैं क्या? और बच्चे आए? हाँ, सर और लोगों को आने बुला सकते हैं सर? चाहिए, क्लास में बुलाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही क्लास है अपनी, तो अपन को आना चाहिए ना। ओके, आने दो, अभी और वेट करते हैं थोड़ा। नमन नियति, अपना वीडियो ऑन करो सारे बच्चे, अभी हमको ओथ लेना है। एंड कम इन द ओथ टेकिंग पोस्चर। ओके, तो मुझे क्लिक लेके भेजना पिक्चर आपका, तो वो दैट आई हैव टू टेक। एंड सो यू कम ऑल, ओपन योर वीडियोस एंड कीप योर हैंड्स लाइक दिस व्हेन वी रेज द हैंड देन फॉर टेकिंग द ओथ। अपना हाथ आगे करो सारे बच्चे, जैसा हम कोई ओथ लेते हैं तब करते हैं। सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करो। So let me first take the click, then I will or we will read the preamble of the constitution. Okay, Anjali, open your video. Nandini, Siddharth, सारे बच्चे, Sarath, सब अपना वीडियो ऑन करो बेटा, और हाथ आगे करो, जैसे इट मस्ट बी विजिबल, आपका हाथ दिखना चाहिए, थोड़ा ऊपर करके रखेंगे तो दिखेगा उसमें। सही राम, अभी तो वीडियो नहीं ऑन हो रहा है बहुत सारे बच्चों। अनुराग, ओपन योर वीडियो एंड आप जैसे शपथ लेते ना ओथ टेकिंग के लिए, ऐसे हाथ रखने में रखिए सारे बच्चे। यस, और ये कौन है? अंजलि, अंजलि ओपन योर वीडियो। सिद्धार्थ, अपना वीडियो ऑन करो, और ऐसे हाथ हाथ आगे लाओ जिससे देखे फोटो में आपका हाथ, इधर की साइड लाओ स्क्रीन की तरफ, दिख नहीं रहा है किसी का भी नहीं दिख रहा है हाथ। हाँ, इनका दिख रहा है, शरद का दिख रहा है, जैसे मानवी का दिख रहा है, इसका दिख रहा है थोड़ा, ये तो अनुराग का तो वीडियो ही बंद हो गया। नमन, हाथ ऊपर कर इधर। यस, श्रेष्ठा, क्या हो रहा है लोग का? हाथ ऊपर रखो थोड़ा, उसके पोस्चर में रखो, सो आई कैन टेक वीडियो ओथ टेकिंग के लिए। सिद्धार्थ, आपका हाथ में दिख रहा है? सिद्धार्थ, ओके, ये किसका बंद है नीचे? S4। श्रेष्ठ, अपना वीडियो खोलो बेटा। सारे बच्चे ऑन करो जरा, ये नीचे वाले 3 बच्चों का बंद है। अनुराग, नंदिनी, श्रेष्ठ, ऑन, ओपन वीडियो। नंदिनी, सर ऑन है श्रेष्ठ, वीडियो, सर ऑन है। आप दिख नहीं रहे, अभी देखिए।
ओके नाउ लेट अस टेक द ओथ। तो मैं रीड करूंगा, आप अपना माइक भी ऑन कर लीजिए, सारे बच्चे माइक भी ऑन करो और वीडियो भी ऑन रखो दोनों। इट इज फॉर 2 मिनट्स टाइम, सो कीप स्विच ऑन योर माइक एज वेल एज वीडियो बोथ। ओके सो रेडी फॉर वी विल रीड द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में मैं पढ़ूंगा, आप साथ में बोलना जोर से, अपना माइक भी ऑन करिए। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग, भारत को, भारत एक 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 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए था और उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय विचार, विचार अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विश्वास, विश्वास धर्म, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, तथा उन सब में, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ईस्वी की मार्गशीर्ष महासप्तमी, संवत 2006, संवत 2006 विक्रमी, विक्रमी को एतद द्वारा, एतद के द्वारा इस संविधान को, इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पण करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। नाउ लेट अस बिगिन अवर नॉर्मल प्रोसीडिंग्स। ओके सो वी आर लेफ्ट विद टू पर्संस फॉर दिस प्रेजेंटेशन। विकास आ गया, कि विकास का बाय बाय छोड़ना पड़ा तो मुझे बीच में, इसके लिए हमको जाना पड़ा। सो विकास इज नॉट प्रेजेंट, तो विकास नहीं है, उससे पहले नंदिनी हो जाए, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंट करो, बार बार प्रेजेंट कर रही थी जब से, है ना, आप प्रेजेंट करो। सर माय टॉपिक इज कंट्रोलिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नंदिनी आपका वो है क्या, पीपीटी है क्या? नो सर। नहीं है, अच्छा ठीक है, ओके बताइए सर। यस सर, फर्स्ट मीनिंग कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स
comparison of actual performance with the planned performance. If there is any difference or deviation, then finding the reasons for such a difference and taking corrective measures are action to stop those reasons so that they don't reoccur in future and that organization objectives are fulfilled efficiently. Then importance of controlling, there is some points. First, controlling helps in controlling helps in achieving organizational goals. The controlling functions measures the process towards the organization goals and bring to light indicates corrective actions. Second point, for evaluating, judging accuracy of standards. A good control system enables management to verify the standards that are accurate or not by careful check on the change taking place in the organization environment. And third point is making efficient use of resources. Okay, read only points. Yes, okay. Sir. So third point is making efficient use of resource. Fourth, improve employees' motivation. Fifth, facilitating coordination in action. And last one, sixth is ensuring order and discipline. Okay. So now answer the questions. Yes, sir. Yes. First question is that what is critical point analysis? Okay. Second, how is controlling helpful in judging the accuracy of standards? Accuracy, a good control system enable management to verify whether the standards are set accurate or not by careful checks on the change taking place in the organizational environment. Standards are correct or not, what is the meaning of standards? Accurate standards means what? Kya matlab hota hai accurate standards ka? What is the meaning of accuracy of standards? Okay. Now, last two steps in the selection process. Explain last two steps in the selection process. Last two steps in the staffing process. I don't know. Sorry. Any two merits or advantages of training to the employees or workers? First, motivate employees. Motivation. Okay. What is workload and workforce analysis? Okay. What is the meaning of status and employee stock option scheme? नहीं पता नहीं नहीं बड़ी खराब स्थिति है बहुत मेहनत करने की जरूरत है नंदिनी अभी क्या संध्या यस सर स्टार्ट प्रेजेंटेशन ये विकास को कोई फोन लगा दो अभी बेटा जी आया नहीं इसका बारह बच्चा तो खत्म हो जाएगा काम हमारा बाकी पड़ा रह गया पेंडिंग फालतू है पढ़ाई करेंगे किसी में लगे रहेंगे रोज रोज यस संध्या यस सर सर इट इज विजिबल
यस यस अभी नंदनी दिख रही है इसको हाँ अभी दिख रहा है हाँ ठीक है यस सर माय टॉपिक इज सिलेक्शन प्रोसेस मीनिंग ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब ओके प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इट हेल्प्स द मैनेजर्स eliminate unqualified or unfit job seekers based on the information supplied in the example of unqualified or unfit job seekers sir like the manager has set some qualification criteria for the job but the candidate is not fit or not that much eligible for the job so this type of screening will help to remove these types of persons okay go ahead yes sir selection test an employment test is a mechanism that attempts to measure certain characteristics range from aptitudes such as manual dexterity to intelligence to personality important test used for selection of employees intelligence test aptitude test personality test trait test and interest test okay what is aptitude test sir aptitude test is a test which is done to measure the abilities or abilities that a candidate can do these are the his learning capabilities which is measured in this test okay go ahead sir employment interview is a formal in depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job next step is reference and background checks employers request names address and telephone numbers of references for the purpose of verifying information and gaining additional information of an applicant selection decision the final decision has to be made from among the candidates who pass the test interview and reference checks medical examination after the selection decision and before the job offer is made the candidate is required to undergo a medical fitness test the job offer is given to the candidate being declared fit after the medical examination job offer it is made through a letter of appointment or confirm his acceptance it generally contains a date by which the appointee must report on duty contract of employment after the job offer has been accepted by the candidate certain documents are needed to be executed one such document is attestation form which contains vital details about the candidate which are authenticated and attested by the candidate there is also a need it's a last slide here bas there is also a need for preparing a contract of employment basic information that should be included in a written contract of employment will vary according to the level of job but the following sets out the typical headings duties responsibilities date when continuous employment starts and basis for calculating services rates of pay leave rules etc that's Please, all thank you. Okay Sandhya come in the meeting yes sir yes sir okay Sandhya open up video yes sir okay so ye saradev vikas ko phone lagana fir saradev vikas phone karega uska baar baar chahiye sir kiya tha maine wo phone hi nahi utha raha sir wo do baar kiya sir maine abhi ha Sandhya any two limitations of training sir okay last two step in the process of selection
Sir, in the process of selection, last two steps are job offer and contract of employment. Job offer is the it is the confirmation of it is the offer which is given to the candidate for which, in which the date of coming on the duty is mentioned, and a contract of employment is the contract of employment is the it is an form which is in which it is which varies from firm to firm. Normally in that some rules and date of coming pay leave system is written in that. Okay, yes, sir. Now yes, two incentives you have to explain. First one is employees stock option plan or scheme, and second one is the status. Sir, status is the position which is given to an employee in the firm, which makes him proud and feel good about his status and responsibilities, which gives him a positive motivation to work harder for the ultimate organizational goals. Mm-hmm. And second is stock option. Stock option is that incentive in which the firm sometimes provide shares to the managers or the employees, managers or employees in discount, so that to motivate them for working hard for the organizational goals. Now, next question: how is communication facilitate decision making? Sir, communication facilitates decision making in many ways. Like when we communicate, we come to know about the different opinions and different ideas of different people, and by merging them, we can have a better planning and better decision making. And from this, it helps the process of communicate. It makes the process of communication more effective and efficient. It is partially correct. Okay. Now, in case of directing, there is. Horizontal and vertical communication. What is horizontal and vertical communication? Sir, vertical communication is the process in which the subordinates talk to the superior or the superior talks to the subordinates. And okay, horizontal means when same level officers or departments talk to each other. Okay, good. Now, in Maslow's need hierarchy theory, okay, what are the assumptions? Sir, two assumptions. Sir, it is believed that a person's needs can be satisfied after satisfying the low level need. Okay. Then it will go for the next level. And second assumption is that when a person is satisfied with one need, then he will need next level need to satisfy himself. But it is not true. Sometimes the person is satisfied with the same need for the lifetime. Okay, so it is half correct, Sandhya. The first one is correct. Yes, sir. So yes, 1, 3, 4, 6, 8. 9 points score in there. Your presentation is good. Okay. Yes, sir. Now, because in Baiwa, we have to ready for questions. Last one. Because is the last one, so this process is over. Okay, then we will have only to study. Because, are you ready?
यस सर विकास ओपन और वीडियो कहां है विकास दिख नहीं रहा है विकास अपना वीडियो खोलो सर ऑन ही है सर अभी कई दिक्कत हो रही है तो आप लोग ऑन रखते हो लेकिन यहां दिखता नहीं है ऐसे किसी और बच्चे के साथ भी हो रहा था ऐसा क्यों होता है नहीं सर ऑन है सर मेरा यहां सर नहीं वो तुम्हारा दिख रहा है ऑन है लेकिन इधर मुझे आप दिख नहीं रहे यहां सर आपने किसी को पिन किया मैंने पिन किया था नंदिनी को पिन किया था उस समय जब उसका नीचे दिख नहीं रहा था हटाऊं क्या सर हटा दीजिए सर नंदिनी नहीं है अब तो उसमें मीटिंग में नहीं नंदिनी है पिन किया था हटा दिया था इसको तुमने अब तो अनपिन कर दिया था ना इसको अभी किसी को पिन नहीं किया हुआ सर मेरा ऑन है सर बट यहां से सर हाँ नहीं तुम्हारा तो ऑन है वो उसका वो उसके जो क्या होते हैं डिफरेंस दिख रहे इस तरह की लेकिन वो अब मुझे नहीं दिख रहे चलो ठीक है व्हाट इज वर्कलोड एनालिसिस बताओ सॉरी सर वर्कलोड एनालिसिस व्हाट इज वर्कलोड एनालिसिस ओके सर बोलो सर विकास नॉट ऑडिबल Sir, don't know. Okay. Any two benefits of training to the organization? Sir, the benefits to the organization. Sir, it increases productivity and performance. Okay. And sir. Sir, it reduces wastage and supervision, sir. Okay, because on karo, kuch dobara karo, usko off karke on karo dobara se. One second, sir. Aapka video off karo, pehle on karo. Done, sir. Nahi aa raha sir, kya? Sarat, kya problem hai? Kyun nahi aa raha, Sarat? Sir, ऐसा problem kabhi nahi hua, sir. हमें भी नहीं दिख रहा था कभी सर सर ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ सर हाँ लेकिन ये दिख नहीं रहा इसका सर हमें भी नहीं दिख रहा सर वीडियो हाँ किसी को नहीं दिख रहा विकास दोबारा करो बेटा ओके हाँ विकास नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज Directing helps in bringing coordination. Because sir, how sir? Yes, sir. Directing, sir. Sir, it aims to sir. Sir, it sir. Sir, it is aims sir to sir supervision of employees' activity, and sir, it is coordination by ensuring people. Sir, works toward the plans of the organization. Sorry. How is, why is motivation called a complex process? I don't know, sir. What are esteem needs and esteem need and self-actualization needs? Sir, don't know. Any two external sources of recruitment? Explain, karo. Any two external sources of recruitment? Sir, sir, first one is sir, advertising. Okay. And sir. And sir, second one is sir, contractors. Sir, contractors. Sir. What happens to contractors? Okay. What is performance appraisal? Why it is done? Sir, don't know, sir. Okay, thank you, Vikas. So now this process is over. Now, so now
important points we have to discuss today. What is the important thing? That this is almost the end of the November. Okay. And I think your second assessment for all subject is over. Sare subject ka khatam ho gaya? Yes sir. Sare subject ka ho gaya khatam aapka? Yes sir. English ka nahi hua sir. हाँ वो तो सर कर लेंगे, इसके बाकी सबका हो गया ना सर। मैथ्स का भी एमसीक्यू नहीं हुआ सर, गूगल फॉर्म। अच्छा मैथ्स का गूगल फॉर्म नहीं हुआ, गूगल फॉर्म तो करना चाहिए था, उसमें कितना टाइम लगता है? कब है अनुराग सर? 28 को है। 20 ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। अब तो हमारा क्या काम है नाउ? वी थिंक दैट एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एज यूजुअल एज इट बिगिंस इन एवरी ईयर। मान के चले कि हमारा जो एनुअल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, दैट विल बिगिन इन द मंथ ऑफ, एट द एंड ऑफ फरवरी और इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च, ऐसा अजम्पशन मान के चलते हैं हम लोग अभी, और ऐसे ही अभी लग रहा है कि शायद उसी हिसाब से होगा। सो वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ अकॉर्डिंगली। हमको मान के चलना है कि हमारा एग्जाम मार्च में होगा, तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। अब हम सिलेबस का देखें तो हमको अभी अकाउंट्स में हमारा शेयर्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है, बताया था मैंने आपका फीचर इन प्रोराटा हम लोग कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम तो हम डिस्कस कर चुके हैं सारी, उसकी बस केवल कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करनी है उसमें। फिर एक टॉपिक बचा है हमारा इसमें, वो अदर देन कैश वाला, वो मैंने बताया इट इज सेम टॉपिक, वो डिवेंचर्स में और शेयर में एक ही है, इसलिए हम एक साथ पढ़ाएंगे उसको, अदर देन कैश वाला टॉपिक। तो फिर शेयर में हमारे पास एक ही टॉपिक बचा हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, और फिर हम पढ़ेंगे अदर देन कैश वाला, दोनों मिक्स करके शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में कैसे निकालेंगे उसको। समझ में आ गया? ठीक है, अब डिबेंचर वाला जो चैप्टर है उसमें 90% पार्ट हो गया जो हम शेयर्स में पढ़ चुके हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, उसमें भी वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, सेम एंट्रीज है, सेम प्रोसेस है, कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, बस एक ही चीज चेंज होगी, जहां हम शेयर कैपिटल लिखते हैं वह डिवेंचर लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ शेयर कैपिटल वी हैव टू राइट द डिवेंचर। और उसके अलावा दो तीन नई प्रॉब्लम है जो शेयर्स में नहीं होती है, वो उसमें जैसे कोलेट्रल सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स का कंसेप्ट है, और एक टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन है, वो हमको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन आपके सिलेबस से हटा दिए सर, कोई मेथड ऑफ रिडेम्पशन नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो डिवेंचर में बहुत कम टाइम लगेगा, मुश्किल से एक वीक में हमारा डिवेंचर का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट में हमको लगभग एक महीने का टाइम लगेगा, है ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट विल टेक 1 month टाइम। अभी मुझे एक काम करना पड़ेगा आपका, एटलीस्ट जिन दिनों में मेरी क्लास नहीं है आपकी, जैसे मंडे को क्लास नहीं है, वेडनेसडे को क्लास नहीं है, तो आई विल हैव 1 class of 1 hour फ्रॉम 10 to 11। साईराम समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। तो अगर पॉसिबल हुआ तो रोज रखेंगे, रोज नहीं रखेंगे तो कम से कम जिन दिनों में मेरी क्लास नहीं है आपके यहाँ, मंडे को नहीं है, वेडनेसडे को नहीं है, तो ठीक है, तो इन दिनों में कम से कम हम 1 hour की क्लास रखेंगे 10 to 11। सो वी विल बी एबल टू कम्प्लीट द सिलेबस एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, है ना, दिसंबर तक हम कम्प्लीट कर लेंगे। ये तो हमारी अकाउंट्स की बात हो गई। BS में मार्केटिंग का सिलेबस पढ़ रहे हैं, और मार्केटिंग सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें भी हम प्रोडक्ट वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, तो इट विल टेक 2-3 more classes, 4 class और लगेंगे मार्केटिंग में भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो 2 class का चैप्टर है, और जो तो 15 to 20 December तक हमारा मार्केटिंग या बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट काम जो हमको करना है, वो आपको प्रोजेक्ट बनाना है आपका, है ना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइल। तो वो कैसे बनाएंगे? तो आपको अकाउंट्स को मैंने बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट आपको दिया था, सबने बना के रखा है, उससे साईराम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बना लिया था ना सब लोगों ने सर? बिजनेस या अकाउंट्स? अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, जो जनरल बनाया था, लेजर बनाया था, सबने बना के रखा था ना, छुट्टियों में दिया था आपको साईराम? यस सर, थोड़ा बन गया था सर। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव वाला कंप्लीट कर लो। फिर हम एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आपको दिए, 2-3 दिए थे मैंने स्पेसिफिक आपको, इसमें वो निकालना था आपको, क्या बोलते हैं, अपना ROI निकालना था, रेट ऑफ रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट और वो कैपिटल एम्प्लॉयड, दिए थे ना आपको 2-3 question दिए थे उसके, सही राम?
याद है क्या आपको? नो सर. उसको आपको जो पेपर दिए थे जो सेंड किया था मैंने उसमें तीन वो थे प्रोजेक्ट उसके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को. उसमें से हम दो बनाएंगे कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वो बता दूंगा आपको कल या परसों तक. तो कौन कौन से हमको बनाने हैं? अब बीएस का जो प्रोजेक्ट बनाना है वो मार्केटिंग का बनाना है और मार्केटिंग का बेसिक चीजें तो हम पढ़ चुके हैं उसकी और पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है तो कल कौन सा डे है? कल कल फ्राइडे है. कल मेरी क्लास है ना आपकी? यस सर. कल एक पीरियड है आपका फ्राइडे को. कौन सा पीरियड है फ्राइडे को? एक है कि दो है? एक ही है सर लास्ट पीरियड. एक पीरियड है सर लास्ट. हाँ तो उसमें हम लोग कल बीएस का प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे कैसे बनाना है मार्केटिंग का प्रोजेक्ट. दैट वी विल डिस्कस इन टुमॉरोस क्लास. और ये अकाउंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव वाला आपने कंप्लीट करके रखो सारे बच्चे. और इसका बाकी दो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाने हैं. बनाने से इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको वो सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी क्लास में क्योंकि बायोलॉजी के ऊपर होता है फाइल के ऊपर. तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे कोई अमाउंट निकाला. कि पहला कॉम्प्रिहेंसिव तो आपको समझ में आएगा क्योंकि 11th में किया आपने. जनरल बनाया है, लेजर बनाया है, बैलेंस बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो पूरा 11th का पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है उसको तो बना सकते हैं सारे बच्चे. और हम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको डिस्कस भी करेंगे साथ में और उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है तो ये पहला काम हमको भी ये करना है प्रायोरिटी बेस पे कि अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार रखनी है क्योंकि नॉर्मल ईयर्स में जो सीबीएसई का टाइम है प्रोजेक्ट का वो दिसंबर एंड से लेके चालू 15 दिसंबर से चालू कर देती है सीबीएसई. 15 दिसंबर से प्रैक्टिकल चालू कर देती है सीबीएसई. तो हम लोग अभी वही पैटर्न रहा तो 15 दिसंबर के बाद हमको अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार करके रखना पड़ेगा. 15 से 20 दिसंबर तक हमारी प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो जानी चाहिए. दैट इज अवर टारगेट. अभी आप घर पे हैं तो ज्यादा टाइम है तो बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, बना पाएंगे. ठीक है सो दैट इज द सेकंड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल ऑफ यू शुड बी रेगुलर इन द क्लास. कई बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत खराब है. बीएस तो पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल. मैंने देखा अकाउंट तो फिर भी वो जो भी कर रहे हैं ट्यूशन पढ़ रहे हैं जहाँ भी पढ़ रहे हैं क्लास में पढ़ रहे हैं कोई भी कुछ तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत. बीएस का परफॉर्मेंस बहुत खराब है. सम स्टूडेंट्स आर टोटली ब्लैंक इन बीएस. डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन इतने तो कभी आने नहीं एग्जाम में. जितने डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने पूछे आप लोगों से उतने डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने नहीं एग्जाम में कैसे भी. जब वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन. सो दैट इज ए बिग इश्यू. सो बी स्टार्ट रीडिंग बीन स्टडीज. डोंट टेक इट लाइटली. बीन स्टडीज पढ़ लेंगे वो सबसे ज्यादा डेंजरस है. लास्ट मोमेंट में पढ़ भी लोगे तो कुछ नहीं होगा. सब मिक्स करोगे. एक का आंसर दूसरे में लिखोगे, एक के कैरेक्टर दूसरे में लिखोगे, एक के मेरिट दूसरे में लिखोगे. सो दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग, हाईली कंफ्यूजिंग है बीएस. जब तक आप उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, याद नहीं करोगे, लिख के नहीं देखोगे, तब तक वो कंफ्यूज करेगा आपको. मिक्सिंग हुई बहुत ज्यादा, ध्यान रखना. तो इस इंप्रेशन मत रहिए कि लास्ट मोमेंट में पढ़ के हम लोग सब कर लेंगे. पढ़ भी लोगे तो आप उसको लिख नहीं पाओगे, या तो रिकॉल ही नहीं कर पाओगे. और रिकॉल कर पाओगे तो फिर वो मिक्स करोगे उसमें आंसर. जिसका लिखना चाहिए उसका नहीं लिखोगे, दूसरे किसी का लिखोगे. समझ में आ रहा है क्या आपको? सही राम? यस सर. ठीक है तो ये बी सीरियस. आप ये मत बिल्कुल मान के चलो कि एग्जाम नहीं होगा या यू आर इन द बोर्ड क्लास तो कोई एग्जाम होता या नहीं होता, लेकिन आपका एग्जाम तो 100% होगा. ध्यान रखिए है ना. इस गलत में भी मत रहना कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम नहीं होगा, ये तो दिमाग से निकाल दो. 100% आपका एग्जाम होगा और आई एम श्योर इट विल बी ऑफलाइन. क्योंकि अभी अभी सीबीएसई ने जब कोरोना भयंकर था तब भी कंपार्टमेंट एग्जाम कराया. बहुत सीबीएसई को लोगों ने बोला कि कैसे करा सकते हो, तब भी सीबीएसई ने किसी की बात नहीं मानी. और उसने देखा जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था अभी वो ऑफलाइन में हुआ है ना. तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने होंगे सीबीएसई लेगी, डिस्टेंसिंग रखेगी, मास्क का कंपल्सन करेगी, जो करेगी, बट इट विल बी ऑफलाइन. तो ये सोचना छोड़ दो कि एग्जाम नहीं होगा और कैसे तो भी करके ऑनलाइन में हम पढ़ लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो एकदम बड़ा स्ट्रोक पड़ेगा हमारे ऊपर अगर एकदम हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो. स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बी सीरियस. और बीन स्टडीज का सीक्रेट एक ही है कि उसको याद करो, लिख के देखो. और अनसॉल्व प्रॉब्लम जो है आपकी, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा ज्यादा सॉल्व करो क्योंकि केस स्टडी बहुत आती है पेपर में. आपने देखा पिछले साल का पेपर देखो, केस स्टडी बहुत आती है उसमें. तो वो हमको अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप करनी पड़ेगी. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है. क्वेश्चन आसान होता है लेकिन समझना आना चाहिए हमको. क्वेश्चन आसान है अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान होता है आंसर उसका, लेकिन क्वेश्चन समझना ही डिफिकल्टी है. पूछा क्या ये समझ में आना चाहिए हमको. किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर में क्या पूछा है क्वेश्चन में, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
तो ये तभी आएगा जब हमको उस चैप्टर का कंटेंट मालूम होगा, तो कंटेंट ही नहीं मालूम है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। सो स्टार्ट डूइंग दिस, तो हमारा जैसे सिलेबस खत्म होता है तो हम लोग भी यही सब करेंगे, है ना, यही सब रखेंगे क्लास में, क्वेश्चन पूछना, तैयार करना, क्वेश्चन देना, आंसर लिखवाना, दैट ऑल वी विल डू, बट फर्स्ट प्रायोरिटी अभी ये है कि हमारा सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा क्लास लेके जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं इसको कर लें, जिससे हमको रिविजन का टाइम मिल जाएगा और भी प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आप लोग प्रेजेंट नहीं रहते, दैट इज हाँ किसी ने हैंड रेज किया है, हु इज रेजिंग द हैंड, शरद सर मैं ये पूछ रहा था कि सर केस स्टडी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है जिससे प्रैक्टिस सही हो। देखो बता दो अनुराग, क्या बताता हूँ, केस स्टडी के लिए कोई सी बुक ले लो आप, सबने एक दूसरे की नकल मारी है, ठीक है, ये सैंपल पेपर का है, सैंपल पेपर किसी का भी ले लो, कुछ नया नहीं है, सबने एक दूसरे का कॉपी किया है, है ना, तो हमको तो अपना समझ में आना चाहिए। बेस्ट तो ये कि पिछले सैंपल पेपर देखो, सीबीएसई के जो सैंपल पेपर हैं वो ले लो, क्वेश्चन पेपर पिछले साल के ले लो, वो सबसे अच्छा है। अगर सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं पिछले सालों के, 5 साल के, 3 साल के, 3 साल के लेना, बहुत पुराने मत लेना, क्योंकि तब तो पैटर्न ही चेंज हो गया है, तो 3 साल के क्वेश्चन पेपर, पिछले 3 साल के पेपर देखेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि किस तरह की केस स्टडी आती है ना। यस सर, तो वो सबसे बेस्ट है, और किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का तो जो आपको चाहिए पढ़ो, लेकिन अगर जो सीबीएसई के पेपर 3 साल के, तो नेट से निकाल लो आप, 3 साल के पेपर मिल जाएंगे आपको, अब तो अवेलेबल है नेट पे, सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो वहां से निकाल लो 3 साल के क्वेश्चन पेपर, 4 साल के, है ना, उसमें सब पैटर्न समझ में आएगा और वेरी गुड, अच्छा है वो, उसमें प्रैक्टिस काफी हो सकती है आपकी। सॉल्व वाले निकाल लो, तो आंसर मत निकालो पहले, आंसर मत देखो, है ना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर चेक करके देखो, है ना, चेक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा बाद में कि हमने कहाँ गलती की है, अपना इवेल्यूएशन खुद कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीएस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिख के प्रैक्टिस करना, ओरली कितना याद कर लो आप भूलोगे उसको, मिक्स करोगे, कन्फ्यूज होगे उसमें, जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा उसमें, तो याद भले ही कम करो लेकिन लिख के जरूर देखो उसको, जो चैप्टर तैयार हो गया उसके क्वेश्चन निकालो कहीं से भी, बुक से कहीं से क्वेश्चन देख के क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर लिखो, फिर चेक करो कि हमने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा, दैट प्रैक्टिस भी टू डू, बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, 2-4 दिन 10 दिन करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, धीरे धीरे करने लगोगे उसको, बट ये हमको पेन लेना पड़ेगा, ऐसे कम्फर्ट में नहीं होगा कि हमने बस पढ़ के रख दी किताब और हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा वो, वी हैव टू टेक लिटिल पेन, और उसके बाद फिर हमको हैबिट में आ जाएगा तो फिर हम करने लगेंगे उसको, ठीक है। तो साई राम अभी तो टाइम हो गया शायद, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आप जो बोलोगे पढ़ लेंगे, अकाउंट पढ़ना होगा अकाउंट से, बीएस पढ़ना होगा तो बीएस पढ़ लेंगे, तो गुड, वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, ओके साई राम, सो नाउ यू कैन लीव फॉर दिस टाइम, अगेन वी विल जॉइन आफ्टर 10-15 मिनट्स, थैंक यू सर, साई राम, थैंक यू।